Hello students. So in this video, what we are going to do is we are going to look at two examples and we will try and solve them using POAC. So this video se hamara aim ye hai ki hum POAC ko kaise use karna hai usko samjhe two examples ke through. So let's start directly with the first question. So here you can see we have a first question. It reads as XeF6 fluorinates I2 and IF7. तो XeF6 जो है वो I2 से रिएक्ट करता है और IF7 बनाता है एंड लिबरेट ज़ीनॉन गैस. द अदर प्रोडक्ट इज ज़ीनॉन गैस, फुल स्टॉप. देन वी हैव 210 मिलीमोल्स ऑफ XeF6 कैन यील्ड अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ IF7. तो अगर हम 210 मिलीमोल XeF6 ले लें तो कितने मिलीमोल हमको IF7 मिलेगा, ये हमसे पूछा गया है. एंड वी आर गिवन हियर फोर ऑप्शंस, 420, 180, 210 and 245. So let's take a look किस सवाल को हम कैसे करेंगे. तो सबसे पहले तो हमको रिएक्शन लिखना होगा. The first thing that we'll do is we'll write the reaction. So you write down the reaction XeF6 plus I2 giving you IF7 and xenon. Now because we know all the reactants and products, we can definitely balance this reaction. क्योंकि हमको सारे reactants और products पता हैं, हम इस reaction को balance कर सकते हैं और mole mole analysis का use कर सकते हैं. बट क्योंकि हम POAC सीखना चाह रहे हैं तो हम इसको POAC की मदद से, यानी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन की मदद से ही सॉल्व करेंगे. तो इफ यू वांट टू सॉल्व इट बाय POAC, लेट्स नॉट बैलेंस द रिएक्शन. तो अब देखो POAC से यूज करना है और हमको मोल्स किसके दे रखे थे बच्चों, क्वेश्चन में देखो एक बार. द मोल्स गिवन आर ऑफ XeF6 और निकालने किसके हैं, किसके पता करने अपने को, IF7 के. तो अगर FeF6 के मोल्स दे रखे हैं, IF7 के पता करने हैं, तो हमको रिलेशन किसमें चाहिए. वी नीड अ रिलेशन बिटवीन XeF6 एंड IF7. तो अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स को देखोगे तो इन दोनों में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है, विच एलिमेंट इज कॉमन इन दीज. एंड इफ यू लुक क्लोजली द कॉमन एलिमेंट इन बोथ इज फ्लोरीन. सो द आंसर फॉर दिस इज फ्लोरीन. तो अगर हमको किन्हीं दो कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन डेवलप करनी है तो हमें कॉमन एटम हमको देखना होगा और यहाँ कॉमन एटम फ्लोरीन है तो हम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन फ्लोरीन पर ही लगाएंगे. सो लेट्स मूव अहेड एंड अप्लाई POAC ऑन फ्लोरीन. सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन व्हाट वी कैन से इज दैट मोल्स ऑफ फ्लोरीन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ फ्लोरीन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन. अब मोल्स ऑफ फ्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो XeF6 से आते हैं और हमको ये भी पता है कि एक XeF6 में 6 फ्लोरीन है, यानी फ्लोरीन के जो मोल्स होंगे वो XeF6 के मोल्स का 6 टाइम्स हो जाएंगे. तो मोल्स ऑफ F विल बी 6 टाइम्स इनटू मोल्स ऑफ XeF6. इसी तरीके से जब राइट हैंड साइड देखोगे रिएक्शन के, जहां IF7 है, एक IF7 से 7 फ्लोरीन मिल रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ फ्लोरीन जो है वो 7 इनटू IF7 के बराबर है. एक IF7 से 7 फ्लोरीन, तो हम लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू 7 इनटू मोल्स ऑफ IF7. अब इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, therefore what we can do is कि हम moles of fluorine की जगह moles of XeF6 लिख सकते हैं और यहाँ पर जो हमारा टर्म आएगा वो आएगा 6. तो we have 6 into XeF6. similarly जब हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो फ्लोरीन के मोल्स की जगह हम लिख सकते हैं 7 into moles of IF7. तो 6 into moles of XeF6 को हमने यहाँ रख दिया और 7 into moles of IF7 को हमने यहाँ रख दिया. तो इससे हमको एक रिलेशन मिल गया XeF6 और IF7 में. अब बस हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हमारे क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है. तो यू हैव 6 into moles of XeF6. क्वेश्चन में देखो बच्चों कितने दिए थे, लुक एट दी क्वेश्चन. तो मोल्स ऑफ XeF6 कितने दिए थे हमको, 210 मिलीमोल. तो इस वैल्यू को उठा के हम अपने इक्वेशन में पुट इन कर लेते हैं. तो यहाँ पर 6 into 210 मिलीमोल्स थे इज इक्वल टू 7 इनटू मोल्स ऑफ IF7. और इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो ये 7 विल कैंसिल दिस बाय 30 एंड व्हाट यू विल हैव इज 180 मिलीमोल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ IF7 एंड दैट इज व्हाट वाज आस्क्ड इन आर क्वेश्चन. हमसे हमारे क्वेश्चन में यही वैल्यू पूछी गई थी, हमारे पास आंसर आ गया 180. वील मार्क इट इन आर क्वेश्चन. ऑल राइट, सो हियर यू कैन सी इट्स ऑप्शन नंबर बी विच सेज
180 millimoles of IF7. तो ये एक एग्जांपल हुआ POAC का. हम एक और एग्जांपल करते हैं. इस एग्जांपल को तो हम मोल मोल एनालिसिस से कर सकते थे. अगला जो हमारा एग्जांपल है उसको सॉल्व करने के लिए हमको POAC ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे. सो व्हेन यू मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हियर ऑन योर स्क्रीन यू हैव योर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी मोल्स ऑफ P4O6 एंड P4O10 विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन द कंबशन ऑफ 12.4 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस इन 12.8 ग्राम्स ऑफ O2. तो 12.4 ग्राम फॉस्फोरस का अगर 12.8 ग्राम O2 के साथ रिएक्शन करें तो कितना P4O6 और P4O10 बनेगा. कंडीशन क्या दी हुई है, लीविंग नो P4 और O2. तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कोई भी नहीं है. क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि कुछ भी नहीं बच रहा है, तो देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट. ये चार हमको ऑप्शंस दे रखे हैं. अब इसमें हम रिएक्शन को बैलेंस क्यों नहीं कर सकते. तो रिएक्शन आप नॉर्मली होगे तो क्या है, P4 रिएक्टिंग विद O2 गिविंग यू P4O6 एंड P4O10. प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि रिएक्शन को इसलिए नहीं बैलेंस किया जा सकता क्योंकि P4O6 और P4O10 का रिलेटिव रेशियो जो है वो नहीं पता है. ये नहीं पता है कि इसके कितने मोल के लिए इसके कितने मोल्स बनते हैं. सो बिकॉज यू डोंट हैव रिलेटिव रेशियो, यहाँ पे 1:1 भी हो सकता था, यहाँ 2:1 भी हो सकता है, यहाँ 2:3 भी हो सकता है. तो वो रेशियो हमको नहीं पता है. सिंस वी डोंट नो द रेशियो, वी कैन नेवर बैलेंस द रिएक्शन अप फ्रंट. हम रिएक्शन लिखने के बाद सॉल्व करने के बाद इसको बैलेंस कर पाएंगे. तो लेट्स से इन एनी कंडीशन अगर आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में आपको POAC यूज करना पड़ेगा. सो लेट्स गो अहेड एंड यूज POAC. अब इसमें करना क्या है बच्चों, अपने को पूछा क्या था, देखो हाउ मेनी मोल्स ऑफ P4O6 एंड P4O10, इन दोनों के मोल्स पता करने हैं. तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको मोल्स पता करने हैं, लेट्स अज्यूम कि मोल्स ऑफ P4O6 जो है वो x है और P4O10 जो है वो y है. तो इसके अपन ने x मोल्स बना ली और इसके y मोल्स मान ली, और अब अपन इस पर POAC अप्लाई कर देते हैं. जो हम POAC अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो अननोन्स हैं x और y, हमको दो इक्वेशन चाहिए टू गेट द वैल्यू ऑफ टू अननोन्स. तो अप्लाइंग POAC ऑन बोथ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन, दोनों पे अप्लाई करके हम दो इक्वेशन बनाएंगे. लेफ्ट हैंड साइड पे हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि फॉस्फोरस जो था उसका वेट था 12.4 ग्राम्स. तो अगर 12.4 ग्राम फॉस्फोरस है तो क्या हम इसके मोल्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. अगर किसी चीज का मास दिया हो और उसके मोल्स चाहिए हो, तो व्हाट यू डू इज यू पुट गिवन मास एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो इतना करने के बाद हमारे पास मोल्स ऑफ फॉस्फोरस एटम कितने आ जाएंगे बच्चों, दिस विल बी 0.4 मोल्स. सिमिलरली नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, मोल्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम को दे रखा था 12.8 ग्राम. तो इससे हमको मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं. इस केस में लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट के मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने के लिए इसका भी गिवन मास अपॉन ऑक्सीजन का मोलर मास 16. इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 0.8 मोल्स. तो ऑक्सीजन के मोल्स आ गए हैं एटम्स के और फॉस्फोरस के मोल्स आ गए एटम्स के ऑन लेफ्ट हैंड साइड. POAC अप्लाई करने के लिए हमको दोनों तरफ मोल्स कंपेयर करने होते हैं. तो अब राइट हैंड साइड के फॉस्फोरस के मोल्स और ऑक्सीजन के मोल्स हम निकालते हैं. तो देखो बच्चों, P4O6 के मोल्स अगर x हैं और P4O10 के मोल्स अगर y हैं, तो एक P4O6 से चार फॉस्फोरस हमको मिलते हैं, तो x से मिल जाएंगे 4x. सिमिलरली एक P4O10 से चार फॉस्फोरस मिल रहे हैं, तो y से मिल जाएंगे 4y. तो जब हम यहाँ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस लिखने जाएंगे तो वो जाएंगे 4x प्लस 4y. तो x मोल्स P4 से 4x फॉस्फोरस के एटम आएंगे, इसी तरीके से y मोल P4O10 से 4y P4 के एटम्स आएंगे, तो सॉरी फॉस्फोरस के एटम्स आएंगे. तो टोटल एटम्स जो है फॉस्फोरस को जाएंगे 4x प्लस 4y. अच्छा, अब यही चीज अपने को ऑक्सीजन के साथ करनी है. तो एक P4O6 में कितने ऑक्सीजन है, जल्दी से देखो कितने, 6 आ रहे हैं. तो अगर एक P4O6 से 6 ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो x P4O6 से कितने आएंगे बच्चों, 6x आएंगे, 6x ऑक्सीजन. तो उसी का यूज करके क्या करेंगे, ऑक्सीजन के मोल्स यहां से जब हम लिखेंगे तो 6x लिखेंगे, और यहां से P4O10 से लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 10y. तो 10y, तो राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन P4O6 से भी मिलेगा, P4O10 से भी. तो व्हाट विल राइट इट एज, वी विल राइट इट एज 6x प्लस 10y. तो अब दोनों तरफ देखो बच्चों, मोल्स ऑफ फॉस्फोरस यहाँ भी हैं, मोल्स ऑफ फॉस्फोरस यहाँ भी हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड.
एक इक्वेशन यहां से आएगी। दूसरा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन राइट हैंड साइड है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड है, तो इन दोनों से भी एक दूसरी इक्वेशन आएगी। तो इन दोनों की मदद से हम दो इक्वेशन लिखते हैं और हमारे जो दोनों उनकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ फॉस्फोरस ऑन लेफ्ट हैंड साइड कितने आए हैं देखो जरा, लुक एट देम, 0.4। तो यहाँ पे हम 0.4 लिख देंगे, सो यू हैव 0.4 मोल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ फॉस्फोरस ऑन राइट हैंड साइड कितने आए हैं देखो बेटा, 4x+4y। तो यहाँ हम लिख देंगे 4x+4y, वॉट यू विल गेट इज 0.4 इज इक्वल टू 4 x + y, और यू हैव 0.1 इज इक्वल टू x + y। तो एक इक्वेशन हमको यहां से मिल जाती है, लेट्स कॉल दिस एज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम पीओसी एट ऑक्सीजन पे लगा देंगे, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड। इसको एक बार ऊपर जाके स्क्रॉल करके देख लेते हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 0.8, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन राइट हैंड साइड जो है वो 6x + 10y है। दोनों की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यू हैव मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड इज 0.8 इज इक्वल टू 6x + 10y। अब ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई है, और इन दो इक्वेशन से हमको दो वेरिएबल्स की वैल्यू पता करनी है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में थोड़ा सा मैथमेटिकल अरेंजमेंट कर लेते हैं, और उस अरेंजमेंट की मदद से अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग 1 and 2, तो 2 को लिखा अपन ने 0.8 इज इक्वल टू 6x + 6y + 4y, तो ये 0.8 इज इक्वल टू 6 x + y + 4y। अच्छा, x प्लस वाई की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे देखो 0.1 थी, तो इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, है ना। तो ये वैल्यू को उठा के अपन यहाँ रख देते हैं, तो यू गेट 0.8 इज इक्वल टू 0.6 + y, यह y आ गया आपका, सॉरी दिस इज 4y, 0.6 + 4y, your y comes out to be 0.2/4, which gives you y is equals to 0.05 moles. तो y जो थे वो हमारे moles थे P4O10 के, therefore P4O10 is 0.05 moles. एक आंसर यहाँ आ गया। एक और आंसर हमको चाहिए, वो क्या चाहिए, x की वैल्यू। तो सिंस हमारे पास था x प्लस वाई इज 0.1 इक्वेशन 1 से, इसलिए हम y की वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो y को हम रख देते हैं 0.05, तो x प्लस 0.05 इज 0.1, विच गिव्स अस x इज इक्वल्स टू आल्सो 0.05। और क्योंकि x वर द मोल्स ऑफ P4O6, तो इसलिए हम लिख सकते हैं P4O6 इज 0.05 मोल्स। तो हमसे यही दो चीजें पूछी गई थी, मोल्स ऑफ फॉस्फोरस P4O10 एंड P4O6 कितने बनेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में ऊपर जाके हम चेक कर लेते हैं हमारे ऑप्शंस बच्चों, तो P4O6 और P4O10 दोनों के 0.05 मोल्स बन रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। सो इन दिस वे वी सॉ के पीओसी को कैसे यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज अदर एग्जाम्पल्स टू प्रैक्टिस, इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। बस आपको समझ में एक बार आ गया तो इससे आपके कुछ क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो वी विल एंड आवर वीडियो हियर एंड वी विल होपफुली मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।